नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस फॉर गार्डनिंग में। और इस वीडियो का टॉपिक है फर्टिलाइज़र के ऊपर। हम फर्टिलाइज़र हमारे पौधों में डालते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है अच्छी होती है। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है अगर हम फर्टिलाइज़र ना डालें तो क्या होगा? तो मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मैंने एक ऐसा सॉइल लिया जिसमें बिल्कुल जो है न्यूट्रिशन नहीं है। तो इसमें जो है बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है, पर ये वाला जो पॉट है इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन दिया गया है। इसमें बराबर कंपोस्ट डाली गई है, बराबर फर्टिलाइज़र वगैरह सब दिया गया है। स्प्रे भी किए हैं हम ताकि इंसेक्ट और फंगस वगैरह से बचा रहे, पर वहीं हमने इसकी कोई केयर नहीं करी है। जस्ट इसको छोड़ दिया था, जस्ट इसको हम मतलब सिर्फ वाटरिंग देते थे। और ये जिसमें उगा है, मैं आपको बता दूँ, वो है कोकोपीट और सैंड, और दोनों में ही बिल्कुल बहुत कम मात्रा में जो है न्यूट्रिशन होते हैं। तो इसमें जो है आप ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत बेकार ग्रोथ है। और एक दो बर्ड्स आई थी, वो भी जो हमारे गिलहरी है, हमारे टेरेस में गिलहरी आ जाती है बार बार, उस वजह से वो भी जो है टूट गई। पर वहीं पे हमारी इस प्लांट को देखिए, इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा है और हैवी हो रही है। और पत्ते जो हैं इसके बड़े ग्रीन और बड़े बड़े आ रहे हैं, वहीं इसके पत्ते जो हैं येल्लो हो रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं इसमें जो है थोड़ा सा खाद डाला इसकी बेकार ग्रोथ को देखते हुए। पर मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना ज़रूरी है, आपको भी जानकारी लगनी चाहिए कि खाद से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, बहुत कम न्यूट्रिशन है, इसलिए इसकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो है और कम है। वहीं पे देखिए, जब हमने न्यूट्रिशन इसमें डाला, बराबर केयर करी, तो क्या ग्रोथ हमें जो है मिली है। तो दोस्तों, आपको इससे ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि न्यूट्रिशन कितने ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, मतलब क्या, कौन सा न्यूट्रिशन किस काम आता है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन जो तीन न्यूट्रिशन जो हमारे पौधों को ज़रूरी होता है वो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये तीन तो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं जिसमें बहुत कम ग्रोथ हुई है, इसमें तीन जो मेजर न्यूट्रिशन प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, वो बहुत कम मात्रा में थे, इसलिए इसकी ग्रोथ जो है नहीं हुई है। इसमें जो सॉइल था, और सॉइल में बहुत से न्यूट्रिशन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, और बराबर इसमें खाद भी डाले हम, तो इससे और ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है इसमें आ गया। तो ज़्यादा न्यूट्रिशन होने की वजह से इसकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। और दोस्तों, एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है, अगर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एकदम न्यूट्रिशन हर हफ्ते देंगे तो ये प्लांट आपका जल सकता है। जैसे हम इंसान अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा लें और ज़रूरत से ज़्यादा दवाई ले लें तो हमारा जो तबीयत है वो ख़राब हो सकता है। उसी तरह से पौधों का भी, अगर आप ज़्यादा ज़्यादा देंगे तो उनका जो न्यूट्रिशन है वो ख़राब हो जाएगा, मतलब उनका जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगा उनके न्यूट्रिशन की वजह से। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन देना हमें बहुत ज़रूरी है। 15 दिन में एक बार मैं इसमें डालता था काउडंग कंपोस्ट, और भी कितना, 3 से 4 चम्मच के आसपास मैं डालता था। मैं ज़्यादा नहीं डालता था, हर हफ्ते डालता था, पर ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालता था, थोड़ा थोड़ा सा डालता रहा। और रिज़ल्ट जो है आप देख सकते हैं, और ये एकदम जो है बिल्कुल कम केयर किया हुआ है, और बिल्कुल जो है इसको सनलाइट वनलाइट कुछ चीज़ बराबर नहीं मिलता था। और 3-4 फैक्टर हैं जो इसकी ग्रोथ को रोक दिए, और वहीं पे अगर इसको सब प्रॉपर चीज़ मिला, प्रॉपर सनलाइट मिली, प्रॉपर सॉइल मिला, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, तो ग्रोथ जो आप देख सकते हैं, फ्लावर का साइज़ डे बाई डे बढ़ रहा है। पहले जो ये कुछ फ्लावर्स खिले, ये छोटे साइज़ के खिले, पर न्यूट्रिशन देने के बाद जो साइज़ आप देख सकते हैं डबल हो गया है करीबन। और फ्लावर जो है लॉन्ग लास्टिंग है, खूब समय से जो है चलते हैं। पर वहीं हमारा जो ये है प्लांट, ना फ्लावर अच्छे से कर पा रहा है, ना ही इसका ग्रोथ हो रहा है, और ना ही और कुछ हो रहा है। तो 5 से 6 न्यूट्रिशन जो है एकदम कंपलसरी हैं, उसके बिना जो है प्लांट ना ग्रोथ करेगा, ना फ्लावरिंग, ना फ्रूटिंग, कुछ ना करे, कुछ नहीं करेगा। तो वो न्यूट्रिशन है, सबसे पहले तो हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तीन चीज़ तो होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर और कोई न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है तो वो होगी मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन और जिंक और कॉपर। ये भी 5 न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है प्लांट्स को। पहले जो 3 मैंने बताए वो मैक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, और बाकी के जो मैंने बताए वो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं।
माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और माइक्रो न्यूट्रिशन मैक्रो न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करने के लिए ज़रूरी है। यानी ये माइक्रो एंड मैक्रो दो अलग वर्ड है। तो पहले जो तीन बताए वो सबसे ज़रूरी न्यूट्रिशन है, फिर उन तीनों न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करने के लिए यानी उनको उन तीनों को मतलब रेगुलेट करने के लिए हमें बाकी के जो न्यूट्रिशन मैंने बताए जिसे हम मैं माइक्रो कह रहा था जैसे कैल्शियम आयरन ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये दोनों के तालमेल से जो है हमारा प्लांट जो है अच्छा ग्रोथ करता है और ये तीनों मतलब तीनों को चलाने के लिए जो बाकी के न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से जो है लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जो लाल कलर का बटन दिया है उसे दबा करके, और कोई भी डाउट हो और कोई भी चीज़ आप बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताएं, और आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारा वेबसाइट है s4gardening.ml तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं।